नारनौल कस्बे के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में जल शक्ति अभियान और पौधारोपण को लेकर छात्रों ने शपथ ली कि वो ताउम्र जल संरक्षण के लिए काम करते रहेंगे और पर्यावरण को बचाने के लिए धरती पर ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाते रहेंगे। इस मौके पर वित्त मंत्री के भतीजे अजय संधू ने पौधारोपण किया। बीजेपी नेता अजय संधू ने कहा कि पूरे प्रदेश में बीजेपी सरकार द्वारा पौधागिरी अभियान शुरू किया गया है और उसी कड़ी में आज नारनौल के सरकारी स्कूल में बच्चों को काफी पेड़ पौधे दिए गए हैं और स्कूल में भी त्रिवेणी लगाकर पौधारोपण किया गया है और सभी बच्चों को शपथ दिलाई कि कम से कम एक पेड़ पौधा अपने घर या अपने आसपास कहीं भी जरूर लगाएं। आज जमीनी जल का स्तर लगातार गिरता जा रहा है जिसके कारण एक दिन ऐसा आएगा कि धरती पर जल की भारी कमी होगी और पानी के लिए हाहाकार मच जाएगा। इस स्थिति से बचने के लिए हमें आज जल को बचाने के लिए एक मुहिम शुरू करनी होगी ताकि जल को बचाया जा सके और आने वाली पीढ़ियों को पीने के पानी की समस्या से ना जूझना पड़े। हमें अपने दैनिक कार्यों में प्रयोग किए जाने वाले जल में से थोड़ा थोड़ा जल बचाकर इस मुहिम में आहुति डालनी होगी। वहीं आज पर्यावरण की स्थिति भी काफी खराब होती जा रही है जिसके कारण बारिश भी कम हो रही है, इसलिए हमें धरती को हरी भरी करने के लिए दोबारा से पेड़ पौधे लगाने की मुहिम शुरू करनी होगी। हर व्यक्ति को प्रत्येक वर्ष 5-5 पौधे लगाने चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए, तभी बिगड़ते पर्यावरण को साफ व स्वच्छ बनाया जा सकता है। पूरे प्रदेश में सरकार के द्वारा पौधागिरी अभियान शुरू किया गया है, उसी कड़ी में आज नारनौल के सरकारी स्कूल में बच्चों को काफ़ी पेड़ भी दिए गए हैं और स्कूल में भी त्रिवेणी लगाई गई है और सभी बच्चों से बाकायदा शपथ दिला करके पूरे स्टाफ ने उनको प्रण दिलाया है कि कम से कम एक पेड़ पौधा अपने घर में या अपने खेत में अपने जहां भी जिसको जगह मिलती है पर्यावरण को बचाने के लिए एक एक पौधा जरूर लगाएं। और साथ में जैसे आने वाले समय में पानी की हमारे लिए समस्या खड़ी हो सकती है उसके लिए भी बच्चों को प्रेरित किया है कि अपने घर में भी और जहाँ भी आप स्कूल में रहते हैं अपने जहाँ भी आप जाते हो पानी की बचत करें, पानी का कोई भी अगर व्यर्थ करता है तो उसको ज़रूर अपनी जिम्मेदारी समझ करके बचाएं। तो निश्चित तौर पर बच्चों ने बड़े अच्छे तरीके से अपनी जिम्मेदारी समझते हुए सब ने अपनी खुशी से ये कहा है कि अगली बार एक साल के अंदर हम कम से कम 200 पेड़ अपने स्कूल में लगाएंगे और उनकी देखभाल भी खुद करेंगे और अपने घर में भी कम से कम एक एक पेड़ सब लगाएंगे।